हेलो फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। ये चैप्टर नंबर 16 है सीजीएसटी एक्ट का। ये बेसिकली डिस्कस करता है अलग अलग सिचुएशंस में कौन लायबल होगा जीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए, उसका पूरा डिस्कशन क्या क्या केसेस है अपन आगे देखने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो लॉ है ना वो बहुत ही प्ले ऑफ वर्ड्स में है, बहुत वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसका अपन एसेंस समझते हुए चलेंगे और वर्ड्स में गुम नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया है चीजों को सिंपल करने के लिए थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, विच इज TIP, जिसका मतलब होगा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो बिगिनिंग विद सेक्शन 85, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ये सिचुएशन वेयर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इन होल और इन पार्ट बाय सेल, गिफ्ट, लीज, लीव एंड लाइसेंस, हायर और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर, कहीं भी किसी भी केस में ट्रांसफर होता है, देन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी जॉइंटली और सेवरली लायबल है, होल्डली और टू द एक्सटेंट ऑफ सच ट्रांसफर टू पे द TIP, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ड्यू फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन अप टू द टाइम ऑफ सच ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर के टाइम तक जो भी जीएसटी की टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की लायबिलिटी आती है, उसके लिए ट्रांसफरर और ट्रांसफरी जॉइंटली लायबल है। ये मैटर नहीं करता कि वो लायबिलिटी जो है वो ट्रांसफर के पहले डिटरमाइन हुई या बाद में, हो सकता है ट्रांसफरी को पता ही ना हो कि ये लायबिलिटी है, उसने ट्रांसफर कर लिया, अपने बिजनेस ले लिया, बाद में ये डिस्कवर होता है, कोई असेसमेंट होता है, ऑडिट होता है कि कुछ लायबिलिटी थी, तब भी ट्रांसफरी लायबल होगा जॉइंटली विद द ट्रांसफरर। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को तो पता ही नहीं था। सो दिस प्रोविजन क्लैरिफाइज। ऑल्सो वेयर ट्रांसफरी कंटिन्यूज टू कैरी ऑन सच बिजनेस, दो केस हो सकता है, ट्रांसफर होने के बाद या तो बिजनेस कैरी ऑन नहीं हो रहा है या तो हो रहा है। जहां हो रहा है तो अब जो सप्लाईज होंगे ना उस बिजनेस में, उस सप्लाईज में जो जीएसटी की लायबिलिटी होगी उसके लिए तो ट्रांसफरी लायबल होगा। The transferee shall be liable to pay tax on the supply of goods or services of both effected by him with effect from the date of transfer. हाँ, हो सकता है उसका पहले से रजिस्ट्रेशन हो तो उसके पास और एक लाइबिलिटी आ जाएगी कि अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वो अमेंड करवा ले विद इन द टाइम लिमिट, उसमें ये दिखा दे कि उसके पास और एक बिजनेस आ गया। सो दिस वॉज द कंप्लीट प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस सेक्शन 85। पहला पार्ट बोलता है कि ट्रांसफर ट्रांसफरी दोनों जॉइंटली लायबल होंगे और दूसरा पार्ट बोलता है कि बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है तो फर्दर सप्लायर जो होंगे उसके लिए ट्रांसफरी लायबल होगा और उसको अमेंडमेंट कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अगर उसका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो। मूविंग ऑन दिस सेक्शन 86 जो कि एजेंट के बारे में डिस्कस करता है, वेयर एन एजेंट सप्लाइज और रिसीव्स एनी टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, सच एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट और प्रिंसिपल दोनों जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे टू पे द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स अंडर दिस एक्ट। मतलब जो गुड्स है जो एजेंट या तो सप्लाई करता है या तो रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, उस गुड्स पे जो जीएसटी की लायबिलिटी आती है उस लायबिलिटी के लिए प्रिंसिपल और एजेंट दोनों जॉइंटली लायबल होंगे। ओके, सेक्शन 87 अमैलगमेशन और मर्जर का केस डिस्कस करता है। केस क्या है, स्पेशल केस है, हर अमेलगमेशन और मर्जर में नहीं होगा। वेयर टू और मोर कंपनीज अमेलगमेटेड और मर्ज्ड ड्यू टू ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, और इसमें भी हर केस नहीं, ऐसा ऑर्डर, द ऑर्डर इज टू टेक इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब बैकडेट में अमेलगमेशन या मर्जर होने वाला ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के कारण, ऐसी केस में। और उसमें क्या सिचुएशन है, सच कंपनीज हैव सप्लाइड और रिसीव एनी गुड्स सर्विसेज बोथ टू और फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो जो अमेलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है जिन कंपनीज का, उन लोग आपस में कुछ सप्लाईज किए हैं ड्यूरिंग द इंटरमिटेंट पीरियड। इंटरमिटेंट पीरियड मतलब क्या, जो बैकडेट में जिस दिन से अमेलगमेशन मर्जर हो रहा है और डेट ऑफ एक्चुअल ऑर्डर जिस दिन ऑर्डर आया, इसका जो बीच का पीरियड है ना, उस पीरियड में अगर उन कंपनीज ने आपस में कुछ सप्लाईज किए, तो ये था पूरा केस। इस केस में इफेक्ट क्या हुआ बाद में डिस्कस करेंगे, पहले केस को क्लियर कर लीजिए। अमेलगमेशन मर्जर हुआ है ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर, उस कोर्ट ऑर्डर में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अमेलगमेशन मर्जर हो रहा है, और उस इंटरमिटेंट पीरियड में यानी कि इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर, दैट डेट
से लेके एक्चुअल डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर के बीच में इन कंपनीज ने आपस में सप्लाईज किया है। तो सच ट्रांजेक्शन्स जो सप्लाईज हैं शैल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनीज एंड लायबल टू पे टैक्स अकॉर्डिंगली। मतलब हालांकि अमलगमेशन जो है वो बैकडेट में हो चुका है, बट जीएसटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंटरमिटेंट पीरियड का ट्रांसफर है ना, वो अलग अलग कंपनीज की अपनी अपनी टैक्स लायबिलिटीज में इंक्लूड होगा और वो लोग अपने अपना लायबल होंगे पे करने के लिए। सच कंपनीज शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट कंपनीज फॉर द पीरियड अप टू द सेट ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट तक वो कंपनीज जो है सेपरेट ट्रीट होंगी। ऐसा नहीं है कि बैक डेट से वो लोग मान लेंगे, नहीं। एंड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ द सेट कंपनीज शैल बी कैंसल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की डेट से ही कैंसलेशन होगा, बैक डेट से नहीं होगा, एक्चुअल पासिंग ऑफ द ऑर्डर की डेट। सो बेसिकली यहाँ पे जो इफेक्टिव डेट रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है ना, उसका इफेक्ट नलीफाई करने की कोशिश की गई है। सो अमलगमेशन मर्जर जो है वो बैक डेट में भी हो रहा है, बट जो इंटरमीडिएट पीरियड में सप्लाईज है उसके लिए सेपरेटली लायबिलिटी लायबल होंगी दोनों कंपनीज या दो से ज्यादा कंपनीज जो भी हैं, और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ऑर्डर की डेट से कैंसिल होगा, तब तक उनको डिस्टिंक्ट कंपनीज ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 88 जो कि वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी का केस डिस्कस करता है। वेयर एनी कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, लिक्विडेटर, एक लिक्विडेटर आता है, तो लिक्विडेटर शैल विद इन 30 डेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट 30 दिन के अंदर अंदर गिव इंटीमेशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू द कमिश्नर। कमिश्नर को एक इंटीमेशन देगा कि मैं अपॉइंट हुआ हूं इस कंपनी का वाइंड अप करने के लिए। द कमिश्नर शैल नोटिफाई द लिक्विडेटर विद इन 3 months। 3 महीने के अंदर कमिश्नर नोटिफाई करेगा, क्या करेगा, द अमाउंट विच वुड बी सफिशियंट टू प्रोवाइड फॉर एनी टिप विच इज या विच मे बी पेबल बाय द कंपनी। मतलब कमिश्नर ही डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि कंपनी अब बाउंड अप हो रही है तो कंपनी के द्वारा कितना टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी पेबल है या पेबल हो सकता है, उस अमाउंट को वो लिक्विडेटर को नोटिफाई कर देगा विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन, जिस दिन लिक्विडेटर इंटीमेट कर देता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर कि भाई मेरे लिए इतना अमाउंट काफी होगा फॉर रिकवरिंग टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फ्रॉम द कंपनी। व्हेन एनी प्राइवेट कंपनी इज वाउंड अप एंड एनी टिप डिटरमाइंड अंडर दिस एक्ट ऑन द कंपनी कैन नॉट बी रिकवर्ड। सिर्फ प्राइवेट कंपनी केस में जब वाउंड अप हो रही है वो और कोई टिप रिकवर नहीं हो पा रहा है, देन एवरी पर्सन हु वाज अ डायरेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच द टैक्स वॉज ड्यू, जिस पीरियड का टैक्स ड्यू है उस टाइम जो जो आदमी डायरेक्टर्स थे ऐसे सारे लोग शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ सच टिप अनलेस प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कमिश्नर दैट सच नॉन रिकवरी कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू ग्रॉस नेग्लेक्ट मिसविजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब उनको प्रूव करना पड़ेगा, जब तक वो प्रूफ नहीं करते हैं कि उनकी गलती नहीं थी, उनका कोई ग्रॉस नेग्लेक्ट नहीं था, तब तक दे शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। अगर वो प्रूफ कर दिए कि उन लोग की कोई गलती नहीं थी तो वो लायबल नहीं होंगे, बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन देम। सो दिस वाज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 88 वाइंडिंग अप। द नेक्स्ट प्रोविजन इज सेक्शन 89 जो कि प्राइवेट कंपनी और उसके डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ सिचुएशन डिस्कस करता है। Where any tip is due from a private company and it cannot be recovered. Private company से कोई tip due है और वो recover नहीं हो पा रहा है, तो जो भी directors हैं they shall be jointly and severally liable, जब तक वो proof नहीं कर देते कि जो recovery नहीं हो पा रही है वो उनकी गलती के कारण नहीं है। Where the recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on their part, on the part of the direction in relation to the affairs of the company. तो यहाँ पे भी सेम प्रोविजंस, बर्डन ऑफ प्रूफ डायरेक्टर पे डाल दिया, और जब तक डायरेक्टर प्रूफ नहीं करता कि इसकी कोई गलती नहीं थी, ही शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द कंपनी जो कि रिकवर नहीं हो पा रही है। नॉट ओनली जीएसटी लायबिलिटी, टिप यानी कि टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी तीनों की लायबिलिटी के लिए। ओके, वेयर अ प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी, ये एक एक्सेप्शनल चीज आपको देखने मिलेगी कि जहां प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई है, और जो जिस टाइम वो प्राइवेट कंपनी थी उस टाइम का कोई टीआईपी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यू था,
और वो रिकवर नहीं हो पा रहा है आप बिफोर सच कन्वर्जन, मतलब पहले भी वो रिकवर नहीं हो पा रहा था, अब भी वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, कन्वर्जन के पहले भी वो रिकवर नहीं हो पा रहा था, तो जो डायरेक्टर है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो सबसेक्शन 1 था, इट शैल नॉट अप्लाई, डायरेक्टर ऑफ सच प्राइवेट कंपनी शैल नॉट बी लायबल इन रिलेशन टू एनी टाइप ऑफ सच प्राइवेट कंपनी। प्रोविजन दिया है कि डायरेक्टर शैल स्टिल बी लायबल फॉर एनी पर्सनल पेनल्टी इंपोज्ड ऑन हिम, उन पे कोई पर्सनल पेनल्टी होगी तो ठीक है, बट कंपनी की लायबिलिटी के लिए वो लायबल नहीं होगा। किस केस में? जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हुई है, जिस दौरान वो प्राइवेट कंपनी थी उस दौरान तो कोई टिप रिकवर नहीं हो पा रहा था इवन बिफोर सच कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के बाद वो डायरेक्टर्स लायबल नहीं होंगे। तो दिस वाज सेक्शन 89, प्राइवेट कंपनी और डायरेक्टर्स की लायबिलिटी कब आएगी कब नहीं आएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 90, जो कि फर्म क्रेडिट प्रोविजन है। वेयर एनी फर्म इज लायबल टू पे एनी टिप अंडर दिस एक्ट, द फर्म एंड ऑल पार्टनर्स jointly and severally liable. Okay, भाई partners भी liable हैं पूरे तरीके से। Where any partner retires, कोई partner retire हो जाता है, तो he or the firm दोनों में कोई एक shall intimate the date of retirement in writing to the commissioner. Such partner shall be liable to pay tip up to the due date of his tip due up to the date of his retirement. मतलब जिस दिन वो retire हुआ उस दिन तक अगर फर्म का कोई टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी ड्यू है तो उसके लिए वो रिटायरिंग पार्टनर लायबल हो सकता है, उसके बाद के लिए वो लायबल नहीं होगा, वेदर डिटरमाइंड और नॉट ऑन दैट डेट। हो सकता है कि उस दिन के पहले का कोई ड्यू बाद में डिटरमाइंड होता है तो भी उसके लिए वो पार्टनर लायबल होगा, रिटायरिंग पार्टनर। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि उसको या तो फर्म को इंटीमेट करना पड़ेगा डेट ऑफ रिटायरमेंट इन राइटिंग टू कमिश्नर। If no such intimation is given within one month of the retirement, एक महीने के अंदर intimation नहीं दिया जाता commissioner को, तो liability of such partner shall continue, जो liability और continue होगी until the date of receipt of intimation. हाँ, वो retire हो चुका है, but GST के नजरिए से हम नहीं मानेंगे, और जब तक वो intimate नहीं करता, तब तक उसकी GST tip की liability बनी रहेगी firm. So this was section 90, provisions relating to the firm. अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 91, गार्डियन ट्रस्टी एजेंट ऑफ अ माइनर या अदर इनकैपेसिटेटेड पर्सन। अपन ये गार्डियन ट्रस्टी और एजेंट जो है ना उसको शॉर्ट में GTA बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे मेन सब्जेक्ट मैटर जो है वो माइनर या अदर इनकैपेसिटेटेड पर्सन नहीं होंगे। माइनर मतलब कौन? जिसकी एज 18 साल से कम है। अदर इनकेपेसिटेट पर्सन मतलब कौन? जो खुद से चलने फिरने या मेंटली जो इनकेपेबल हो किसी भी तरीके से, वो इनकेपेसिटेटेड है। इसको आप डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के जो गार्डियंस ट्रस्टीज और एजेंट होते हैं ना उसके बारे में डिस्कशन है। नॉर्मली होता क्या है, कोई माइनर है उसके नाम से कोई बिजनेस है तो माइनर उस बिजनेस का खुद चलाने वाला नहीं माना जाता, उसका गार्डियन ट्रस्टी या एजेंट उस बिजनेस को चलाता है। तो ऐसे केस में कहा जा रहा है वेयर द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय द GTA ऑफ माइनर या अदर इनकैपेसिटेटेड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ देम, माइनर और उसके बिहाफ में कोई GTA उनका बिजनेस चला रहे हैं, तो जो TIP है उस बिजनेस से रिलेटेड वो उन GTA पे इस प्रकार से लग जाएगा कि सपोज जो माइनर या इनकैपेसिटेट पर्सन है वो माइनर इनकैपेसिटेट नहीं होते, वो मेजर होते, वो कैपेसिटेट होते, दे आर नॉट इनकैपेसिटेट। तो उनपे जो GST की लायबिलिटी आती ना, उनपे जो TIP की लायबिलिटी आती ना, वही लायबिलिटी उन GTAs पे आ जाएगी। पूरे प्रोविजन का सार यही है। आप देखेंगे यहाँ पे प्ले ऑफ वर्ड्स है, लेट्स रीड इट फॉर वंस। द टिप शैल बी लेविड अपॉन एंड रिकवरेबल फ्रॉम सच गार्डियन ट्रस्टी और एजेंट GTA इन लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इट वुड बी डिटरमाइंड एंड रिकवरेबल फ्रॉम एनी सच माइनर और अदर इनकैपेसिटेटेड पर्सन एज इफ ही वर अ मेजर और कैपेसिटेटेड पर्सन एंड एज इफ ही वर कंडक्टिंग द बिजनेस हिमसेल्फ। तो इस प्रकार से अगर जो लाइबिलिटी आती है ना वो रिकवरेबल हो जाएगी फ्रॉम सच गार्डियन ट्रस्टी और एजेंट and all the provisions of this act or rules made thereunder shall apply accordingly. तो इससे हमको समझ में आता है कि guardian, trustee और agent के ऊपर पूरी responsibility डाल दी गई है, ना कि minor या other incapacitated person के ऊपर।
मूविंग ऑन विद सेक्शन 92 जो काफी सिमिलर है, यहाँ पे भी हमें जो बैकग्राउंड है उसको समझने की जरूरत है। कई बार ऐसे होता है, सपोज कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब उसकी डेथ हो जाती है, उसने अपने विल में लिखा है कि उसका बेटा जो है वो बिजनेस का ओनर होगा, बट उसका बेटा तो माइनर है। उसके फादर का बहुत बड़ा जो है वेल्थ होगा, उसके बहुत बड़ा बंगला होगा, उसके पास बहुत बड़ा बैंक अकाउंट का बैलेंस होगा, तो ये सब जो चीजें है ना, जितना भी वेल्थ उसके फादर का है वो माइनर को तुरंत नहीं मिल जाता। जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक वो माइनर को मिलता नहीं, तब तक के लिए कोर्ट किसी को अपॉइंट करता है जो उसकी प्रॉपर्टी को, उसके पूरे वेल्थ को उसके फादर का देख रेख करेगा, जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता। तो ऐसा जो आदमी जो वेल्थ है ना, उसको अपन बोलते हैं एस्टेट, ESTATE। उस एस्टेट की देख रेख करने के लिए कोर्ट, या तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी, रिसीवर मैनेजर, ऐसे टाइप के लोगों को अपॉइंट करता है। तो ये है बैकग्राउंड कि जो बिजनेस है, अब वो तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स और ये लोग संभाल रहे होंगे, माइनर संभालेगा नहीं। माइनर तब से संभालना चालू करेगा जब वो मेजर हो जाएगा। तो केस क्या है, वेयर द एस्टेट या एनी पोर्शन ऑफ द एस्टेट ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी टिप इज पेबल। टैक्सेबल पर्सन यहां पे कौन हो जाएगा, वो माइनर हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि उसी का तो बिजनेस हो गया ना। तो माइनर जो टैक्सेबल पर्सन है, एग्जाम्पल ले रहे अपन माइनर, तो वो कुछ एस्टेट ओन करता है, उसके फादर की पूरी वेल्थ, तो उसके द्वारा जो टिप पेबल है ना, जहां वो एस्टेट इज अंडर द कंट्रोल, वेयर द एस्टेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, द एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, द ऑफिशियल ट्रस्टी और एनी रिसीवर और मैनेजर और एनी पर्सन वट एवर बी हिज डेजिग्नेशन, उसका कोई भी डेजिग्नेशन हो, हु इनफैक्ट मैनेज द बिजनेस, जो एक्चुअल बिजनेस को मैनेज करता है, अपॉइंटेड बाय और अंडर एनी ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, तो द टिप शैल बी लेविड अपॉन एंड बी रिकवरेबल फ्रॉम ऐसे लोग, जो कोर्ट ऑफ वार्ड, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, इन लोगों के ऊपर जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है वो लेवेबल होगा और वो लायबल होंगे टू द सेम एक्सटेंट एज इफ इट वुड हैव बीन डिटरमाइंड एंड रिकवरेबल फ्रॉम टैक्सेबल पर्सन एज इफ यू वर कंडक्टिंग द बिजनेस हिमसेल्फ। तो टैक्सेबल पर्सन खुद बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा, मेन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ये है कि जो टैक्सेबल पर्सन है उसका कोई एस्टेट है, वो एस्टेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ समबडी एल्स और वही इनफैक्ट मैनेज करता है बिजनेस, तो वो समबडी एल्स जो है ही शैल बी लायबल फॉर एनी टिप ऑफ द बिजनेस। दिस वॉज सेक्शन 92। सेक्शन 93 डिस्कसेस द केस ऑफ डेथ, पार्टीशन एंड डिसोल्यूशन। भाई जहां इंडिविजुअल है, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, वेयर अ पर्सन लायबल टू पे अंडर दिस एक्ट डाइज, देन इफ अ बिजनेस इज कंटिन्यूड आफ्टर दिस डेथ, कंटिन्यू होता है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो भी पर्सन कैन कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस को, ही शैल बी लायबल टू पे टिप ड्यू फ्रॉम सच पर्सन। उस डेड पर्सन का जो भी टिप लायबल था उसके ऊपर, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या बिजनेस कंटिन्यूअर के ऊपर लग जाएगा, लायबिलिटी आ जाएगी। इफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड वेदर बिफोर और आफ्टर हिज डेथ, अब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना वो लायबल होगा, बट ही शैल बी लायबल अप टू द एस्टेट टू पे आउट ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड। मतलब जो डिजीज्ड की जो जिसकी डेथ हो गई उसकी जो वेल्थ थी ना, उस वेल्थ उस एस्टेट के थ्रू जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पे कर सकता है। ओके, एचयूएफ एओपी के केस में क्या होगा, एचयूएफ एओपी के केस में पार्टीशन हो सकता है, तो वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द एचयूएफ एओपी इज पार्टीशन्ड अमंग इट्स मेंबर्स, तो ईच मेंबर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द टिप ड्यू अप टू टाइम ऑफ पार्टीशन, whether it has been determined before or after the partition, मतलब partition तक जो भी tip due था HUF AOP का, उसके लिए each member shall be liable। firm की केस में क्या होता है, dissolution होता है, so where a firm is dissolved then every person who was a partner shall be jointly and severally liable to pay the tip due up to the time of dissolution, whether such tip determined before or after the dissolution।
वेरी लॉजिकल एंड सेम पैटर्न में प्रोविजन चल रहा है. गार्डियन ट्रस्टी कब होगा? वेयर गार्डियन ट्रस्टी वॉज लायबल टू पे टैक्स एंड द गार्डियनशिप और द ट्रस्ट इज टर्मिनेटेड. गार्डियनशिप एक अग्रीमेंट बनता है कि भाई समझ लो ये माइनर है, आप उसके गार्डियन हो, तो एक अग्रीमेंट बनेगा ना, यू विल सर्व एज द गार्डियन, उसको गार्डियनशिप बोलते हैं. ट्रस्ट है, ट्रस्टी, ट्रस्ट, एक ट्रस्ट डीड बनती है ना, तो वेयर शिप गार्डियनशिप और ट्रस्ट इज टर्मिनेटेड और जो गार्डियन या ट्रस्टी है वो लायबल था टैक्स पे करने के लिए. द वार्ड और द बेनिफिशियरी शैल बी लायबल टू पे द डेट. जो एक्चुअल बेनिफिशियरी थे उस ट्रस्ट डीड के या जो एक्चुअल वार्ड था उस गार्डियन का, वो लायबल हो जाएंगे टिप पे करने के लिए अप टू द टाइम ऑफ टर्मिनेशन. गार्डियनशिप या ट्रस्ट टर्मिनेट होने के टाइम तक जो भी टिप है उसको पे करने के लिए वार्ड या बेनिफिशियरी लायबल हो जाएंगे, whether the amount was determined before or after the termination. So this was the four cases. पहला हमने देखा individual, दूसरा हमने देखा HUF EOP, तीसरा firm और चौथा guardian या trustee. Section 93. Next is section 94. Discontinuation या फिर change in constitution in firm EOP HUF. Discontinuation क्या बोलता है? Where a taxable person is a firm EOP or HUF and has discontinued his business. तो उस केस में टिप पेबल अप टू डिस्कंटिन्यूएशन में बी डिटरमाइंड एज इफ नो डिस्कंटिन्यूएशन हैज बीन टेकन प्लेस. उसको ऐसे डिटरमाइन करेंगे कि डिस्कंटिन्यूएशन हुआ ही नहीं, समझ लो. फिर क्या होगा? एवरी पर्सन हु वाज अ पार्टनर या मेंबर एट द टाइम ऑफ डिस्कंटिन्यूएंस, डिस्कंटिन्यूएंस के पहले जो भी मेंबर्स थे, पार्टनर्स थे, दे शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एनी टिप व्हिच इज पेबल टू before such discontinuance, whether determined या imposed prior to, पहले determined हुआ है या बाद में determined हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता. And the provision of the act shall apply as if every such person were himself a taxable person. मतलब वो हर member, हर partner जो है, खुद ही taxable person है, उनके ऊपर इस प्रकार से GST के provisions apply हो जाएंगे. These provisions shall apply where dissolution, partition with respect to the business carried on by. मतलब जहां डिसोल्यूशन होता है, यहां पे अपन डिस्कंटिन्यूएशन टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, बट ये कह रहा है कि हो सकता है डिसोल्यूशन हो जाए या पार्टीशन हो जाए उस फर्म या फिर एचयूएफ का, तो उस केस में भी वो डिस्कंटिन्यूएशन ही हुआ ना बिजनेस का अल्टीमेटली, तो उस केस में भी अकॉर्डिंगली रेफरेंसेस टू डिस्कंटिन्यूएशन उसको मान लिया जाएगा रेफरेंस टू डिसोल्यूशन या पार्टीशन. मतलब बेसिकली डिसोल्यूशन पार्टीशन के केस में भी ये प्रोविजन लागू हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं. नेक्स्ट इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है बिजनेस का, उस केस में जो पार्टनर्स मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने के पहले या बाद में थे, सब जो है दे शैल ऑल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे टिप अप टू द डेट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने के पहले तक जो भी लाइबिलिटी थी टिप की, उसके लिए पहले वाले पार्टनर्स मेंबर्स भी और बाद वाले पार्टनर्स मेंबर्स भी लायबल हो जाएंगे. बट यहां पे एक और चीज बोला है, विदाउट प्रिजुडिस टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 90. तो सेक्शन 90 जो है वो इसको ओवरराइड करेगा, सेक्शन 94-90 को ओवरराइड करेगा, बल्कि 90-94 को ओवरराइड करेगा और 94 ने अपने प्रोविजन अपनी बात रखो. तो दिस वाज सेक्शन 94. एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फॉर द होल चैप्टर, कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP जो है formed and registered shall also be considered as a firm, उसको भी firm के definition में include किया जाएगा. और court जहाँ भी word use किया गया उसका मतलब district court, high court, supreme court. So finally we have discussed all the provisions of this chapter 6 of the CGST Act. Let us revise what we learnt in this chapter. सबसे पहले हमने देखा section 85, transfer of business के केस में tip की जो liability है वो किसकी आती है, transfer jointly liable होते हैं. सेक्शन 86 एजेंट, एजेंट और प्रिंसिपल जॉइंटली लायबल होते हैं. एमलिगेशन मर्जर सेक्शन 87. सेक्शन 88 बाइंडिंग अप, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर इंटीमेट करता है, कमिश्नर उसको अमाउंट बता देता है. प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर पर्सनल लायबल हो सकता है अनलेस ही प्रूफ अदरवाइज. सेक्शन 89 जो प्राइवेट कंपनी हमने देखा कि भाई डायरेक्टर जो है वो नॉर्मली से लायबल हो गई अनलेस ही प्रूफ कि उसकी कोई गलती नहीं थी. उसमें और एक प्रोविजन हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है,
पहले भी रिकवरेबल नहीं था तो बाद में जो है वो डायरेक्टर लायबल नहीं होंगे। सेक्शन 90 फर्म के केस में ऑल पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। 91 गार्डियन ट्रस्टी जीटीए जो हमने बोला था माइनर इनकैपेसिटेट पर्सन का उनके ऊपर टिप की लायबिलिटी आ जाएगी। 92 कोर्ट ऑफ वार्ड्स ये सब जो बहुत सारे लोग हैं वार्ड उस टाइम एस्टेट की बात होती थी कि एस्टेट में से उनको पे आउट करना पड़ेगा वो लोग लायबल होंगे। डेथ पार्टीशन डिसोल्यूशन डेथ किस केस में इंडिविजुअल के केस में पार्टीशन किसके केस में एचयूएफ ईओपी फर्म के केस में एचयूएफ और ईओपी के केस में डिसोल्यूशन किस केस में फर्म के केस में और गार्डियन और ट्रस्टी का जो है वो टर्मिनेशन होता है बेसिकली। तो इन केसेस में कौन कौन लायबल होंगे वो हमने डिस्कस किया था। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस जहां होता है वो हमने देखा वहां पे ये भी बोला था कि जो डिसोल्यूशन होता है उसको भी हम डिसकंटिन्यूएशन में मान लेंगे। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इन फर्म हमने डिस्कस किया अभी लास्ट में। तो दिस वॉज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर। एक हाँ एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा था आखिरी में जो एलएलपी का बोला कि एलएलपी भी फर्म की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होगी और कोड का मतलब बताया था उसने। तो दिस कंप्लीट का प्रेजेंटेशन फॉर चैप्टर 6 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। उम्मीद है कि आपको काफी समझ में आया होगा अच्छे से एंड यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। गुड बाय।